क्या ही कोई मैच हुआ यार, मतलब जो ब्लड प्रेशर है ना कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है, इतनी उल्टियां जो है वो रोलर कोस्टर के ऊपर नहीं आती रहती, पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर आ जाती। जितनी भी जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, जो भी बीमार किस्म के हजरात हैं ना, वो इस उनके मैचेस देखे ही ना करें, ये तो ना सब लोग जो वो दिल के मरीज बन जाएंगे। खैर यही ब्यूटी होती है पाकिस्तान और इंडिया मैच की, जो हम जिस तरह से देखते भी रहते हैं, मजा तभी आता है जब आप जो है इसी किस्म की ब्यूटी के साथ लड़ लड़के जो है एंड में जीत भी जाते हैं तभी मजा आता है, और अगर आप हार जाएं तो फिर बहुत दुख होता है इतनी क्लोज बैटल के ऊपर। बट चलो कम से कम पाकिस्तान ने फाइट की, इसी यही ब्यूटी थी जो मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान जब तक इनको हराएगा नहीं या फिर जब तक इनको फाइट नहीं देगा तब तक जो है वो रिस्पेक्ट होगी ही नहीं। अभी भी जो मर्जी हो ठीक है, आज जश्न मना रहे हो, पूरा इंडिया जो है जश्न मनाएगा, बल्कि मुबारकबाद भी हो उनको, वो जीत गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये बहुत ही क्लोज मैच था और किसी भी तरफ जा सकता था। गर्लफ्रेंड के जो मूड स्विंग्स होते हैं ना उसकी तरह ये भी मैच बदल रहे होते हैं, पहले 10 ओवर वो जीत रहे हैं, उसके बाद जो अगले 10 ओवर हैं वो हम जीत रहे हैं, फिर पहले 10 ओवर जो इनकी इनिंग्स के थे वो हम जीत रहे हैं, उसके बाद आखिरी 10 ओवर जो उसमें वो जीत गए हैं। भाई इतने मूड स्विंग्स कहाँ होते हैं। खैर जो लोग मुझे इतने अरसे से जानते हैं, इतने सालों से मेरे कंटेंट को फॉलो करें, उनको पता है कि मैं कभी भी जो एक रोना धोना नहीं डालता, हमेशा एक नॉर्मल न्यूट्रल बात ही करता हूं, और यही जानता हूं कि यार इस किस्म की बातें नहीं, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन इस मैच के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि यार इंडिया जीत तो गया, अच्छा भी खेला, कोहली ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो जो एंड में थी ना नो बॉल, वो नो बॉल नहीं थी भाई। पहली बात तो ये कि एक स्लो बॉलर बॉल करा रहा है यार, ऊपर से वो इसी जूसी किस्म की बॉल फेंक रहा है, जो स्लो बॉल होती है वो वैसी डिप कर रही होती है, या तो कोई बड़ा कोई जबरदस्त किसम का बीमर हारिस रऊफ ने मारा मारा के उड़ता हुआ जा रहा है रॉकेट की तरह। भाई स्लो बॉलर बॉल करा रहा है, नीचे डिप होती भी आ रही है, 6000 ओवर्स के रिप्लेस हैं जिसके अंदर वैसी नजर आ रहे हैं, ऊपर से ये बॉल का इंपैक्ट देख लें जिधर ऊपर हो रहा है। वैसे भी अगर स्पिनर की बॉल जो इतनी लूपी किस्म की सर से ऊपर भी जा रही है ना, तो उसको भी बंदा 1.5 मिनट में टेनिस बॉल की तरह जो है वो स्मैश मार के छक्का मार देता है, क्योंकि फास्ट बॉलर तो है नहीं। जब भी नो बॉल होती है सबसे पहले जो ये स्क्वायर लेग पे जो एम्पायर खड़ा हुआ होता है ना, सबसे पहले उसका हाथ ऊपर जाता है, वो बॉल को भी देख रहा है, उसको भी ठीक है, उसके बाद छक्के को भी चेक कर रहा है। उसके बाद जब कोहली साहब ने आके जो है वो सारा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं नो बॉल दे रहे, तो उसे चीख चीख के वो करा दी, भाई ये कोहली है कि तेरी बीवी है जिसके चीखने के ऊपर तू जो अंडर प्रेशर आ गया। आधी पिच के ऊपर बैट्समैन आया हुआ है यार, मतलब थोड़ा सा और आगे होता ना तो इसने कहीं बॉलर को जो है वो चुंगी भी दे देनी थी, इतना बीच में आया हुआ है पिच के और यहां से भी उसको नो बॉल दे दिए यार, मतलब नो बॉल नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो जो फ्री हिट के ऊपर बोल्ड हो गया था, उसके बाद जो भाग के उन्होंने 3 रन ले लिए वो बॉल डेड थी, इस किस्म की पोस्ट भी आ रही है जो कि इंटरनेट के ऊपर चल रही है। तो यार नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने भी चेक किया है, मैंने अपने दोस्तों से भी बोला है, उन सब ने चेक किया है, सब ने ही बताया कि नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है। जब आप आउट भी हो जाते हैं, कैच आउट भी हो जाते हैं, तो भाग के जो भी रन बना रहे थे वो बाय शायद इस किस्म का सीन हो जाता है, लेकिन वो रन होते हैं। अब हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि एक तो बोल्ड हुआ बेचारे ने जो है वो डॉट बॉल भी करा दी, और वो बोल्ड भी ऐसा हुआ कि बॉल वैसी निकली कि 1 रन भी नहीं 3 रन बनाए उन्होंने भाग के। बस किस्मत के धनी नहीं है हम यार, किस्मत जो है बस इसी तरह होगी, सिर्फ आखिरी ओवर के अंदर जो है वो पलटी खाई। अभी वही जो इवन जो ये छक्का भी था जो नो बॉल बाद में उसने दे दी थी, इसके अंदर भी जो है वो आराम से उसका हाथ लग गया था आसिफ का, उसके ऊपर भी बॉल के ऊपर भी, वो भी ठप्पा मार के जो है टेनिस बॉल की तरह अंदर फेंक सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। खैर किस्मत में नहीं थे तो हम नहीं जीत सकते, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। खैर भाई जो भी हो, लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम इंडिया, बहुत ही जबरदस्त किस्म की उन्होंने गेम खेली है, और जब आप हार जाते हैं तो आपको मानना चाहिए कि हारे, ऐसे इस किस्म के रूल्स वगैरह होते हैं, कभी कभी हमारी फेवर भी कर दिया करेंगे, लेकिन ये जो अंपायरों ने हरकत की ना, जब आपके पास पता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, जब स्क्वायर लेग अंपायर को पता है कि भाई ये नो बॉल है या नहीं है, अगर उसके ऊपर कंफ्यूज है तो इसी के ऊपर तो थर्ड अंपायर के पास जाना होता है ना, जब ऊपर बैठा हुआ है तो उसके पास जाओ। जो भी हो यार, इस सब चीजों की वजह से मैं आपको वैसे सही बात बता रहा हूँ, इस सब चीजों की वजह से एक बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की इनिंग्स है जो कि कोहली ने खेली है, उसके ऊपर से क्रेडिट चला जाएगा, तो वो नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छी इनिंग्स थी, और वो सब लोग जो इसके लिए दुआएं कर रहे थे कि इसकी फॉर्म वापस आ जाए, फॉर्म वापस आ जाए, मैं चीख रहा था भाई कि इसके लिए दुआएं मत करो, इसकी फॉर्म वापस आनी, इसने हम पे जो है ना फॉर्म वापस लेके आनी और हम ही पेलते रहना है। अब वही हो गया, इसको मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ ही खिलाया करो, और किसी टीम के खिलाफ खिलाने की जरूरत नहीं, इसको रिटायरमेंट दे दो, उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान वाली गेम के अंदर इसको लिया करो। पाकिस्तानी भी जो बॉलर्स है ना वो अपना हक समझ के इससे कुट खाते हैं, नहीं नहीं मैं खाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ कोहली के हाथ की खाऊंगी, इस किस्म का माहौल मचा हुआ था। हमने पता नहीं कहा तुझे पाकिस्तानियों से क्या प्रॉब्लम है, कोहली मुझे बता दे, हमने तेरी कमेटी छीनी थी, हमको तेरा कर्जा लेके भागे में, कोई बचपन में कोई पाकिस्तानियों ने तुझे बुली कर दिया, यार होता यही है, पता नहीं बुली कौन करके जाता है, गुस्सा किसी और पे निकाल रहा है, भाई तू पाकिस्तानी नहीं है, तेरे स्कूल में कोई था पाकिस्तानी उधर जिसने कह दिया कि मैं पाकिस्तानी हूं, वो माइग्रेट होकर इधर से आए, हम उसको डिसोन करते हैं, भाई हमें माफ कर दे, भाई तू बस कर दे यार, हर वक्त हमें मार रहा था, हमने क्या तेरी गाड़ी के ऊपर चाबी से कोई निशान लगाए हैं यार, हर वक्त जो है पाकिस्तानियों को पेल रहा है तू, कोई फॉर्म फॉर्म के रोने रो रहे होते हैं, एंड में आके जो है पाकिस्तान के ऊपर तेरी सारी फॉर्म निकल आती है। भाई यार पता नहीं कौन सी सनी देओल की फिल्म के अंदर ये जिंदा है जिसने आके हमेशा जो है वो 11 पाकिस्तानियों को पेलना होता है। अगर बात हो रही कोहली के बारे में तो उधर ही हम बात कर लेंगे शर्मा के बारे में भी, क्योंकि शर्मा साहब जो हैं उनका भी रिकॉर्ड जिस तरह कोहली का रिकॉर्ड हमारे खिलाफ जो है ना वो इधर पहुंचा हुआ है, तो शर्मा साहब का भी रिकॉर्ड भी जो है हमारे खिलाफ कहीं इधर उधर ही पहुंचा हुआ है। 10 मैचेस के अंदर इन्होंने 100-114 रन बनाए हैं, 10 की एवरेज के ऊपर ये बैटिंग कर रहे हैं। इन भाई ने भी कसम खाई हुई कि मैंने पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई रन नहीं बनानी यार, इसी से कुछ सीख ले यार कोहली, भाई तेरे साथ ही बैठा हुआ है, तेरे साथ ही ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, पता नहीं यार इसको क्या यार हमसे क्या प्रॉब्लम है तुझे। जोक्स साइड बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स थी, एक बार फिर जो है वो कोहली ने दिखा दिया कि वो कितना जबरदस्त प्लेयर है, और जितनी
पाकिस्तानी के साथ उसने छक्के मारे थे, हम लोग नो बॉल के ऊपर चीख रहे हैं, लेकिन एंड में जो हारिस रऊफ को और शाहीन को जो पड़ी थी उसी में मैच जो है वो टर्न हो चुका था। हमें कम अज कम जो है नवाज को वो तकरीबन 30-35 रन क्या देना चाहिए था। वैसे यार मैं 18 बॉलों के ऊपर 48 रन की छोटी मोटी बात नहीं होती, वो एक जमाने में आफरीदी ने रिकॉर्ड बनाया था 17 बॉलों के ऊपर 50, वही वाली सीन हो रही है। तो मतलब हमने जो है एंड में आके काफी कुट खाई है और कहीं ना कहीं हमारा फेलियर भी है, ऑल्दो हम गेम के अंदर थे और ये वो इस किस्म की चीजें जो है ये मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए जिस तरह हम जो है वो जीते हुए मैचेस जो है इस तरह प्रेशर सिचुएशन में हम रह जाते हैं। कह रहा है नो कि बहुत से पाकिस्तानी जो है बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज जो इस वीडियो के स्पॉन्सर है ना वो है बेफिक्र ऐप, जो कि स्पेशली जो यूके के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए ना, आई नो कि उनको तो ज्यादा जो है इस बात की टेंशन होगी ना, क्योंकि वहां पर जो है वो इंडियंस के साथ मिलकर मैच देखना पड़ता है। मैं भी बड़ा अरसा वहां पर रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या फीलिंग होती है जब यहाँ पे जो आपके सर के अंदर कोई बाजा बजा रहा होता है, चीख रहा होता है। तो खैर आप लोगों के लिए खुशखबरी ये कह रही है, वाहिद एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप वहां से ही बैठे हुए पाकिस्तान में पैसे भिजवा सकते हैं बेहतरीन किस्म के रेट्स के ऊपर। और रेट्स को छोड़ो यार, उसके अलावा वहां से बैठ के यहाँ पे पाकिस्तानियों के बिजली का बिल भी तुम लोग जो है भर सकते हो, फोन के बिल भर सकते हो। देखो हमें बर्थडे के ऊपर कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, यहाँ पे बिजली जितनी महंगी हुई भी है यही सब चीजें कर दिया करो। वहां पे बैठे बैठे जो है बिजली के बिल दो, वहां पे बैठे बैठे गैस के बिल दो, जो कुछ करना तुमने ऐप के ऊपर करके दे दो यार। ये सिर्फ एक इससे बेहतरीन ऐप आपके पास हो नहीं सकती उधर। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि ये जो ऐप है ये पाकिस्तानियों ने ही बनाई है और पाकिस्तानी लोगों के लिए बनाई है, और इसका जितना भी प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा यहाँ पर चैरिटीज में भी जाता है। इनफैक्ट अगर आप यूके में बैठ के पाकिस्तान में किसी एनजीओ में किसी चैरिटी के अंदर पैसे डोनेट करना चाहते हैं, अभी फ्लड विक्टिम्स के लिए इतने पैसे जनरेट हो रहे हैं, तो आप इसी ऐप के थ्रू वो भी कर सकते हैं। वैसे कम दुख है यार यहाँ पर जो है मुल्क के अंदर, वैसे कम परेशानियां होती है कि ऊपर से जो मैच भी हम हार गए तो कम अज कम उन दुख उन परेशानियों को तो खत्म कर सकते हैं। आप लोग बैठे हुए यूके में जो लोग हैं इनके पाउंड शाउंड की जो यहाँ पर बड़ी वैल्यू बन जाती है, इसलिए तो हम इतना प्यार करते हैं अपने सब कजन से, अपने सब चाचे मामे खालाओं से जो कि बाहर बैठे हुए होते हैं। ऐप डाउनलोड करें, मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाएं उसको डाउनलोड कर लें और फिर मजे कर लें, आजादी हो जाएगी आपको सारा पैसे भेजने की पाकिस्तान की। खैर वीडियो के ऊपर वापस आते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यार वो शाहीन के बारे में सब कह रहे हैं कि यार उसकी जो है वो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी, वो उस तरह फिट नहीं लग रहा था। तो मेरा ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं, हाँ वो थोड़ा रिदम में नहीं लगा था, तो रिदम में ना होने की वजह से वो तभी होती है कि जब आपकी जो है ना मैच प्रैक्टिस उस तरह नहीं होती। तो मेरे ख्याल में 2-4 मैचेस खेलेंगे जब तक वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो ये भी रिदम में आ जाएंगे। मुझे तो सबसे पहले उन लोगों को लेकर आना जो पीछे 4 महीने से डिस्कशन कर रहे थे, ये दुआएं मांग रहे थे कि यार बारिश ना हो, बारिश ना हो, बारिश ना हो। जैसी हमारी बैटिंग शुरू हुई है ना, हम सबकी दुआएं शुरू हो गई कि अल्लाह बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। ऊपर भी जो हमारी दुआएं जाती है ना उनकी भी समझ नहीं आती होगी। पहले 3 महीने से हम कह रहे थे कि बारिश ना हो, बारिश ना हो, उसके बाद जो है 3 मिनट के अंदर हम भी ना फॉरन यू टर्न खा लेते हैं। खैर मुझे तो किसी मासूम के ऊपर तरस आ रहा है तो वो हमारा नवाज है, उसका बड़ा ही बुरा मैच गया है ये, बहुत ही प्रेशर में आया हुआ था। एक तो उसके ऊपर जो है हल्ला बोल दिया था, उन्होंने छक्के तो मारने थे, किसी एक बॉलर को टारगेट करना होता है इसी तरह बॉलर्स को, तो उन्होंने नवाज को टारगेट किया और उसको लग भी गए छक्के। इसी तरह होता है यार, बाकी भी किसी और बॉलर पर भी ये वक्त आ सकता है जिसको अगर वो टारगेट कर रहे हैं और फिर छक्के भी लग जाए, 2-3 छक्के ही मारने होते हैं उस पर लगे तो प्रेशर में आ गया था। ऊपर से लास्ट ओवर भी उसको दिया हुआ था, उसके ऊपर भी फुल टॉस वगैरह मार रहे थे, देखो इसको भाई को गाल ग्लोच ना देना। इसी तरह होता है स्पिनर का, लोग कह रहे हैं कि स्पिनर से क्यों लास्ट ओवर कराया, बाबर की कप्तानी के ऊपर बात कर रहे हैं तो भाई और किससे वो बॉलिंग करवाए। इसके अलावा जो ऑप्शन था वो हमारे इफ्तिखार भाई का ही था, उन्होंने वैसे इस मैच के अंदर कोई बॉलिंग नहीं कराई थी तो उसके ऊपर भी और हो जाते कि भाई इससे क्यों कराया, वो भी स्पिनर ही है भाई। इसी तरह ही होता है, उसने या तो 19वां ओवर से देना था या 18वां ओवर उसने देना था, और अगर पहले देता था तो मैच इस तक आते ही ना जहां तक आए। अभी भी नो बॉल वगैरह इस की हरकतें ना होती तो ठीक था, डिफेंड हो ही जाना था। खैर अगर बात कर लें इंडियन टीम के बारे में तो यार इनका ये जो दिनेश कार्तिक है यार, ये किस यार, मेरे ख्याल में 900 साल का हो चुका है आदमी, और ये 2007 के अंदर भी उड़ रहा था, अभी भी उड़ रहा है, पता नहीं कौन सी नस्ल का कबूतर है आदमी। और अगर इतनी नस्लों के 900 साल पुराने कबूतरों की बात की जाए तो मेरे इफ्तिखार को हम किस तरह भूल सकते हैं यार। मेरे दोस्त ने क्या कोई जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल दी है, क्या कोई छक्के मारे यार। मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट हुई था, मैं तो उसी पे खुश हो गया था कि मैं बस यार मैंने जो देख रहा था वो देख लिया और मैं कुछ देखना ही नहीं चाह रहा हूं। बेहतरीन किस्म का कम बैक किया उसने भी किया और फिर शान मसूद ने भी किया, उनकी इनिंग्स को हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हम जिस हालत में थे जितने प्रेशर में हम थे वहां से हमने 160 रन भी बना लिए, ये भी बहुत बड़ा मौजजा था। मिडिल ऑर्डर जो है वो हमारा चल पड़ा, बीच में अगर एक दो बंदे और कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते तो हम 175-180 तक भी जा सकते थे जो कि बहुत ही जबरदस्त का स्कोर हो जाता। बात फिर वही टॉस पे आ गई थी, सबको पता था कि टॉस जीतो तो पहले बॉलिंग करो क्योंकि पता नहीं कितने अरसे से जो है बारिश वारिश हो रही है, ओवरकास्ट किस्म की कंडीशन भी बनी हुई थी शुरू में जो है वो उसके अंदर पिच के अंदर कुछ था भी, और उसी का पूरा फायदा उठाया अर्शदीप ने। इसके ऊपर हम सब हंस रहे थे, इसने कैच ड्रॉप कर दिया था बुरा भला सब कह रहे थे, उसने आके वही वाली बॉलिंग करा दी जो शाहीन शाह आफरीदी ने कराई थी दुबई के अंदर। फिर ना सिर्फ मैच जो है वो उल्टा सीधा हो रहा था, लक भी जो है वो उल्टी सीधी हो रही थी शुरू के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ लक थी, शान मसूद के साथ जितनी लक थी, मैं हमें 2-3 चांसेस उसको मिले, रन आउट जो उसका मिस किए, कोहली ने मिस किए, इस तरह करके बॉल मारनी थी उससे नहीं लगी हुई है। उसके बाद जो है पता नहीं कैचेस भी उड़ रहे हैं ऊपर स्पाइडर कैंप पे लग के नीचे जा रहे हैं, कैचेस ड्रॉप भी हो रहे हैं। वो क्या हमारे किसी एक लेजेंड ने कहा था ना कि कहां बैठी हुई है तेरी अम्मी जो तेरी लिए दुआएं कर रही है, वही मेरे ख्याल में इसके चक्कर में भी हुआ है, इतनी जबरदस्त किस्म की किस्मत थी बॉय के साथ। लेकिन बस आखिरी ओवर के अंदर जो है वो किस्मत पूरी की पूरी टर्न हो गई। जो भी हो, जो पहले 3 ओवर्स के अंदर हमारे साथ हो चुका था ना उसके बाद से हमने पता नहीं किस तरह सर्वाइव कर लिया, इतने रन बना लिए। पहले 3 ओवर्स के अंदर मुझे याद पड़ रहा है कि हम बैट पे साथ नहीं, हम पैड के साथ खेल रहे थे, मतलब पैड पे ही लग लग के हम रन बना रहे थे, बैट
फ्लैट पे तो एक दफा गलती से नहीं लगी। खैर मेरा पांडू जो है वो फिर उसी तरह स्वैग में ही था, क्या जबरदस्त तुमके स्वैग में। उनको पता था कि यार पूरी दुनिया देख रही, सारी इंडियन लड़कियां जो है मुझे इस वक्त देख रही, पाकिस्तानी लड़कियां भी देख रही इनफैक्ट, तो वो तो है मजीद जो है वो स्टाइल में आ चुके थे। आउट करने के बाद वो इस तरह हंस रहे हैं, देख रहे हैं हैदर को, ये कह रहे हैं तू क्या, तू मुझे छक्का मारने की कोशिश कर रही, तूने क्या किया, क्या जबरदस्त तुम्हारी वीडियो स्टाइल है ना भाई, तुम भी बड़ी मुश्किल से ही बच्चे हो, ऐसे तुमने जो रन बॉल करके किए, हिट वेट तुमसे भी नहीं लग रही थी, एक नमाज को एक दो छक्के मार दिए थे, वो तो कोहली ने दूसरे एंड से सब कुछ कर लिया, वरना सब बातें तेरे पे भी आ जाती। खैर जो भी हो 19th ओवर का जो कर्स है ना वो इंडिया के ऊपर रह गई। अर्शदीप ने इतनी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराने के बावजूद जो 19 ओवर कराया था उसके अंदर खूब कुट भी खा ली, और खाई भी शाहीन शाह आफरीदी से। शाहीन शाह आफरीदी चलो अगर बॉलिंग में नहीं चल रहा तो कम से कम बैटिंग में आकर उसने बड़े खुश किस्म के रन बना दिए थे, वरना हमसे 160 तो होना ही नहीं था। लेकिन बात करूंगा अश्विन के कॉन्फिडेंस के बारे में, यार तुमने जो ये जबरदस्त कैच पकड़ के, तुम क्या समझ रहे हो यार, तुम किधर एक्टिंग कर रहे हो, तुम हमारे वो अहमद शहजाद को कॉम्पिटिशन दे रहे हो भाई, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना कैच पकड़ने के बाद का, उस तक आप नहीं पहुंच सकते। यार ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त इनका मैच हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के मैचेस हम एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह का मैच हुआ, इसी तरह का होना भी चाहिए था। दूसरी बात ये कि जो फैंस इतने खूबसूरत, यार 1,00,000 बंदा आया हुआ था और इतना बेहतरीन किस्म का माहौल मचा हुआ था, कोई किसी किस्म की बदतमीजी और किस्म की खबरें नहीं आ रही होती कि बकवास होगी, ये हो गया वो हो गया, आपस में जो है पढ़े लिखे लोगों की तरह मैचेस देखते हैं, इसी तरह एंजॉय करना चाहिए, दुनिया को जो है वो एंजॉय करना चाहिए, पूरी दुनिया जो है वो खड़े होकर देख रही होती, इसलिए देख रही होती कि क्या जबरदस्त उनकी राइवलरी, और फिर इतना हाई प्रेशर सिचुएशन, 1,00,000 बंदा जब चीख रहा हो तो वो तो आवाजें नहीं आ रही थी एक दूसरे को, टॉस के ऊपर खड़े हुए बंदे को आवाज नहीं आ रही थी अगला क्या कह रहा है, क्राउड के बीच में पाकिस्तानी हल्क भी बैठा हुआ है, मतलब वो जो है यार देखो बात सुनो, अगर ये गुस्से में आ जाए तो आपको तो पता है हल्क जब गुस्से में आ जाए तो वो कितनी बड़ी तबाहियां कर सकता है, जब ये हल्क बैठ के जो है किसी किस्म की कोई टूट फूट कुछ नहीं हुई है तो बाकी जो नेशन है ना उनको भी कुछ सीखना चाहिए। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें, और दूसरा ह्यूज शाउट आउट टू द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो, बेफिक्र ऐप है इसका मैंने जो है लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, अगर आप यूके में मुकीम है, ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी है उनके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको डाउनलोड करें, आपकी जितनी भी पाकिस्तान भेजने के जो भी मसाइल हैं पैसे भेजने के वो पूरे हो जाएंगे, पाकिस्तानी लोगों ने बनाई है, पाकिस्तानी लोगों के लिए बनाई हुई है, और सबसे बड़ी ये कि इसके अंदर से जो प्रॉफिट है वो चैरिटीज को भी जाता है, तो इनफैक्ट आप भी चैरिटीज को डोनेट करें, फ्लड विक्टिम्स को डोनेट करें, नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है उसको क्लिक करें और पाकिस्तान पैसे भेजने की टेंशन से आजाद हो जाए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।